आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान पे काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, आपको पता ही है। पृथ्वीराज चौहान पे एक मूवी बन रही है, अक्षय कुमार उसमें है, और कर्णी सेना ने काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, आपको पता ही है। लेकिन अब मामला जो है वो सुलझता हुआ दिख रहा है, तो हम पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी को देखेंगे, ठीक है, देखेंगे पृथ्वीराज चौहान कौन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। मैं ट्विटर पे भी आ गया हूँ दोस्तों, ये रही मेरी आईडी, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम राजपूत के बारे में जानते हैं। राजपूतों का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक 500 सालों तक राजपूतों ने पूरे नॉर्थ पे राज किया, ठीक है, नाम ही है ना राजपूत, ठीक है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, भगवान राम के लिनेज से आते हुए, समझ रहे हैं, अग्निवंशी, बहुत सारे क्लैंस होते हैं इसमें, और क्षत्रिय हैं ये सारे राजपूत, क्षत्रिय हैं, वॉरियर क्लास है ये, राजा के बेटे, धर्म आपको निभाना है। तो अगर हम राजपूतों की बात करें तो इनका इतिहास कमाल का रहा है। 500 सालों तक इन्होंने इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट किया, घुसने नहीं दिया किसी भी मुस्लिम लीडर को, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 200 सालों तक वेट करना पड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया उसके उस पर पूरे 30 लेक्चर बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी की बायोग्राफी, महमूद ऑफ घोरी, उसके बाद पूरी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, वो पूरे 30 लेक्चर्स हैं, आपको पूरा भारत का मध्यकालीन इतिहास पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन राजपूतों का भी इतिहास मैंने बताया है, बहुत सारी बायोग्राफीज और बहुत सारे वीडियोज मैंने लिए हैं, कुल मिला के भारत का इतिहास पूरा अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे, आप देख सकते हैं। तो राजपूतों का इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है, बड़े वीर योद्धा थे, राजपूत योद्धा ही होते हैं, जब भी मुसीबत आती है तो हमेशा खड़े हो जाते हैं धर्म को बचाने के लिए। भगवान राम ने भी तो युद्ध किया था ना, लेकिन उन्होंने किसी को मारने के लिए युद्ध नहीं किया था, ये उनकी रीत थी, उनकी किस्मत थी, उनको करना पड़ा, धर्म स्थापित हुआ। तो राजपूतों की बात करें तो कमाल है ना, वॉरियर क्लास, और इन्होंने अपनी मेहनत से नॉर्थ इंडिया पे रूल किया, और पूरा जो आप राजस्थान का एरिया देख रहे हैं, बुंदेलखंड का एरिया देख रहे हैं, दिल्ली, ये सब इनके पास था। और कन्नौज के लिए तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी, है ना, 9th सेंचुरी आते आते, मतलब कन्नौज के लिए तो कन्नौज उस समय बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, ठीक है। कन्नौज एक तरीके से जैसा न्यूयॉर्क है ना, बहुत खैर बिल्डिंग्स तो नहीं थी कन्नौज में इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन बहुत ही समृद्ध शहर था, और उसके लिए तो 3 डायनेस्टी आपस में भिड़ गई थी, प्रतिहार्स, राष्ट्रकटास, पालाज, ये तीनों कन्नौज के लिए आपस में भिड़ गई थी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि राजपूतों का पूरे नॉर्थ इंडिया में दबदबा, अजमेर में ये रूल करते थे, ठीक है। जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान डायनेस्टी के इसी क्लैन से आते थे, और इनकी कैपिटल जो थी वो अजमेर थी, ठीक है, और बाद में इन्होंने दिल्ली पे भी कब्जा किया। उसके बाद राठौर्स, फिर गढ़वालास, या फिर राठौर्स ऑफ कन्नौज, चांडेल्स ऑफ बुंदेलखंड, गोहिलास या सिसोदिया ऑफ मेवाड़, परमार्स ऑफ मालवा, तोमर्स ऑफ दिल्ली, तो ये सब जो है वो रूल करते थे, प्रतिहार्स या गुर्जर्स ऑफ कन्नौज, पालास ऑफ बंगाल, और ये सब राजपूत किंगडम्स थे, ठीक है। तो ये कहानी है राजपूतों की, पूरे नॉर्थ इंडिया में इनका दबदबा था, और बहुत ही कुशल शासन था इनका, बहुत ही कुशल रूलर्स थे, लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कई बार ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। साउथ में चले जाइए तो राष्ट्रकटा है, चौलक्यास है, चोलाज है, अब राष्ट्रकटा, चौलक्यास, चोलाज, इन सब की, इन सब के बारे में मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। इधर मुल्तान और सिंध में, जो आज का पाकिस्तान है, यहां पे 2 मुस्लिम किंगडम्स है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर स्टेट है वो अफगानिस्तान से लगता है, मुल्तान बिल्कुल एक तरीके से गेटवे है ना, अगर आप बात करें, ठीक है, भारत मतलब उस समय तो अखंड भारत था, ये सब पाकिस्तान और पूरा सब अफगानिस्तान तक हमारा जो विस्तार था वो था, और पूरा जो अखंड भारत है ये, अगर आप अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान को इंक्लूड कर ले, सब है, ठीक है, और सही बात है, आजादी के बाद अलग हो गए पाकिस्तान और भारत। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा दबदबा। अब हम आते हैं पृथ्वीराज चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान चाहमान किंगडम उनके राजा थे, कमाल का इनका इतिहास, इन्होंने एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन उन्होंने बहुत गजब किया। अब मैंने बताया प्रॉब्लम क्या थी, कि ये लोग कई बार आपस में ही लड़ लेते थे, जिसकी वजह से यूनिटी में दिक्कत थी,
लेकिन जब भी युद्ध हुआ है, जब भी बाहर से प्रॉब्लम्स हुई है, डेफिनेटली ये 500 सालों में कई बार इन्वेजन हुए होंगे, क्योंकि इधर अगर हम देखें तो इस्लाम का उदय हो गया 632 के बाद, फिर चार कैलिफेट्स आई, खलीफा है वहां पे, और उन्होंने जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पे इन्वेड किया तो उसके बाद तो कोशिश हुई थी ना बहुत सारी, लेकिन वो सब नाकामयाब। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, और पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान ने जमीन का विस्तार किया तो उसमें उन्होंने दुश्मन भी बना लिए थे। जब आप इस तरीके की विक्ट्रीज करते हैं, अगल बगल के किंगडम्स को जीतते जाते हैं, तो वो आपके दुश्मन होंगे डेफिनेटली, उसमें कोई ना कोई तो होगा जो आपसे नफरत करेगा, हर कोई आपसे प्यार थोड़ी ना करेगा। तो ये चीज है। तो यही पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इनके एक बहुत बड़े दुश्मन थे जयचंद, जिनकी बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी, भगा के शादी की थी, है ना। कहानी तो ये है कि स्वयंवर से उनका अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है, और ये बात जयचंद को ज्यादा पसंद नहीं थी। तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जयचंद ने ही मोहम्मद ऑफ गोरी को बोला कि आप अटैक करो। अब ये कितना सच है, सोर्सेस की बात कर लेते हैं, सच्चाई की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सोर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारे हैं, पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा को बहुत सारे सोर्सेस बयां करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये डाउटफुल है। बहुत सारे सोर्सेज, स्पेशली जो इनका सबसे फेमस सोर्स है पृथ्वीराज रासो, जो इनके दोस्त और इनके कोर्ट पोएट चंद बरदाई ने लिखी थी, ठीक है। चांद बरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो में बहुत सारी ऐसी चीजें जो एग्जैजरेटेड है, ठीक है, इसमें रियल और फिक्शन का मिश्रण है। अब वो आप पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अब लेकिन हिस्टोग्राफी यही होती है, जब भी हम हिस्टोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो रेलेवेंट सोर्सेज है वो निकालते हैं, या फिर कि जैसे जितना भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है उन सबको लो और उसमें जो कॉमन पॉइंट्स निकल रहे हैं उसको देखो कि ये सारे कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, और वही हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, वही सही हिस्ट्री निकल के आती है, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि जैसे जैसे नई बातें आते रहती है, इतिहास चेंज होता रहता है, क्योंकि वहां पे डिजिटल कैमरा नहीं था कि शूट कर लिया। सारी चीजें डाउटफुल है कि ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई अभी तक नहीं पता, अभी तक डाउटफुल है कि उनको मारा कैसे गया। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी को भी साथ में मार दिया अगर पृथ्वीराज राठौर के हिसाब से चले तो। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको मारा नहीं, उनको राजा बना दिया दोबारा, तो ये भी डाउटफुल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन इसमें जो रिलेवेंट चीजें हैं वो हम निकालते हैं। पृथ्वीराज रासो हो गई, पृथ्वीराज विजय हो गई, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर तबाकत नसीरी, हसन निजामी ने जो इनके बारे में लिखा है, जो मुस्लिम सोर्सेज हैं। देखिए अगर हम बैटल्स की बात करें तो यहां पे बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी ने कुछ सोर्सेज में आपको मिलेगा 8 बैटल्स लड़ी, कुछ में मिलेगा आपको 16 बैटल्स लड़ी, 21 बैटल्स लड़ी, 22 बैटल्स लड़ी। लेकिन अगर हम मुस्लिम सोर्सेज पे जाएंगे तो उसमें मेन दो बैटल्स थी, और ये सच भी है। गोपीनाथ शर्मा और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि बाकी जो बैटल्स हुई होंगी वो हो सकता है सीमा विवाद हुए हों, छोटी मोटी बैटल्स, लेकिन जो मेन बैटल्स थी वो दो थी, करनाल के पास बैटल्स ऑफ तराइन। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान पे, बैटल ऑफ तराइन पे मेरा लेक्चर सेपरेट लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन मैंने सेपरेटली कवर किया है, मेरी बैटल सीरीज का पार्ट है, आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमको देख के चलना है। बाकी जैन्स ने भी इनके बारे में लिखा, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन वही चीज है, इसमें सच क्या है वो हमने निकाला है, और कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं गोपीनाथ शर्मा ने और बहुत सारे दशरथ शर्मा, बहुत सारे हिस्टोरियन जो हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे। इनका जो जन्म है, चौहान किंग सोमेश्वरा क्या हुआ था, चौहान डायनेस्टी के राजा थे सोमेश्वरा, और जो इनकी रानी थी कारपूरा देवी, इनके यहां पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और ऐसा बोला जाता है 1166, दशरथ शर्मा ने यही कंक्लूड किया है कि 1166 में लगभग इनका जन्म हुआ होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि इनकी कहानी पे हमेशा डाउट होता रहता है, लेकिन कॉमन पॉइंट्स अगर आप देखें, कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो मेडिवियल मध्यकालीन जो इनकी बायोग्राफीज है, इनकी जो जीवनी, उसमें ये लिखा है कि बहुत ही वेल एजुकेटेड थे ये, इनको काफी लैंग्वेजेस आती थी और उसमें पूरी तरीके से ये वर्स थे, ये बोल लेते थे काफी लैंग्वेज, काफी भाषाएं। 1177 में इनके पिताजी का देहांत हो गया और तब पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे, और 11 साल की उम्र में उन्होंने तख्त को संभाला, थ्रोन को संभाला, ठीक है।
अब हमीर महाकाव्य में ये लिखा है कि सोमेश्वरा ने पृथ्वीराज चौहान को खुद ही इंस्टॉल किया था, लेकिन ये डाउटफुल है। ठीक है, सोमेश्वरा ने खुद ही इंस्टॉल किया, खुद ही पृथ्वीराज चौहान से बोला कि आप बेटा तुम मेरे तख्त पे बैठो, और उसके बाद वो जंगल की ओर चले गए, मतलब वो एक तरीके से रिटायर हो गए। लेकिन यहां पे ज्यादातर सोर्सेज ये बताते हैं कि 1177 में जब सोमेश्वरा का देहांत हुआ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता को संभाला। पिताजी है नहीं तो रीजेंट कौन? पृथ्वीराज चौहान तो खाली 11 साल के हैं ना, तो इनकी माता श्री जो है वो सारी चीजें देखती थी, इनकी माता श्री सब कुछ देखती थी, काउंसिल में जो भी बैठकें होती थी वो इनकी माता जी ही देखती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वीराज आगे बढ़े, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत जल्दी सीख गए ये कैसे राजपाट को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स का भी यहां पे हमको कहानियां देखने को मिलती हैं। कुछ मिनिस्टर चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान क्योंकि बहुत छोटे थे तो सत्ता जो है वो मेरे पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां पे भी ऐसा पृथ्वीराज चौहान को लगा, उन्होंने फिर सजा दी, उस हिसाब से कार्रवाई की। और उसके बाद दोस्तों जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1180 तक आया पृथ्वीराज चौहान के पास। ठीक है, जब ये 13 साल के थे, मैं 14 साल के थे, तो 14 साल में एक लड़का, एक छोटा सा लड़का पूरे साम्राज्य को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम अलग अलग राजाओं से कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, यहां पे जो पहली अचीवमेंट थी वो थी गुड़ापुरा के जो राजा थे नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जो कि इनके कजन भी थे, उनसे गुड़ापुरा को जीतना। जब सोमेश्वरा का देहांत हुआ तो यहां बहुत सारे राजाओं ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, इसमें नागार्जुन भी थे। पृथ्वीराज चौहान को पता चला, गए सप्रेस कर दिया, तो गुड़ापुरा उनके पास दोबारा कैप्चर कर लिया। फिर भटनागास को भी हराया यहां पे। उसके बाद चांदेल्स ऑफ जजका भुक्ति, इनको हराया 1182 1183। तो आप देख रहे हैं ना, जमीन का विस्तार हो रहा है, जो प्रेजेंट डे बुंदेलखंड है ना। ठीक है, तो वो एरिया है जजका भुक्ति। ठीक है, तो अब जमीन का विस्तार हो रहा है, और उस समय जो चांदेल राजा परामर्दी इसको रूल करते थे, और उनको भी हराया 1182 1183 में, और लगातार ये जीतते गए। गुजरात को जीता इन्होंने, गुजरात में समय चालुक्य जो थे वो रूल कर रहे थे। ठीक है, 1187 आते आते, तो गुजरात की जो विजय है वो तो कमाल ही है। हर एक विक्ट्री पे एक अलग कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हर एक जीत पे एक अलग कहानी है। फिर परमार्स ऑफ आबू, ये परमार्स चालुक्य ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, और अगेन गैडलवास ऑफ कन्नौज, कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, इसको भी जीता। अब जब ये सब कुछ कर रहे थे तो दुश्मन भी हुए, हालांकि पृथ्वीराज चौहान की ये नीति नहीं थी कि अगर किसी को हराओ तो उसको खत्म कर दो, नहीं, वो अपना वैसाल बना लेते थे। तुम हमारे अंडर रहो, तुम अपने हिसाब से रूल करो, यहां हराने का ये मतलब नहीं है कि मार दिया, काट दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारे साथ रहो, इज्जत बख्शी जाएगी, हमारे अंडर रूल करो, सिंपल सी बात है ना। लेकिन फिर भी दुश्मन तो होंगे ही होंगे। सबसे बड़ा जो युद्ध था वो था गुरीज के साथ। ठीक है, और इसमें दोस्तों जयचंद की भी बात आती है। जयचंद की अगर बात करें दोस्तों तो कन्नौज के राजा, गढ़वालास की बात करें तो जयचंद जो थे वो बहुत ही ताकतवर रूलर थे, जिसके पास कन्नौज उसके पास ताकत, तो कन्नौज को रूल कर रहे थे जयचंद्र। अब पृथ्वीराज राजसो के हिसाब से संयोगिता जो थी वो जयचंद की बेटी थी। यहां पे एक चित्र बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान का चित्र था, तो चित्रकार ने जब इस चित्र को भेजा तो जितनी भी लेडीज थी उन्होंने ये पूरी रिवर फैला दी कि बहुत ही खूबसूरत एक लड़का है और उसका चित्र बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है ये। और जब वहां पे सबने देखना शुरू किया, ठीक है, कन्नौज में, तो वाकई में हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। तो जयचंद की जब बेटी सहयोगिता ने देखा उस चित्र को तो वो भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया, देखते ही प्यार हो गया, और मन ही मन उन्होंने बोल दिया कि अब तो पृथ्वीराज चौहान ही मेरे जो है वो पति बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जयचंद, यहां तो जमीन का विवाद है, तो जयचंद तो एक तरीके से दुश्मन पृथ्वीराज के। तो यहां पे जब स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर जब रचा गया तो पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से यहां पे किडनैप कर लिया था। हालांकि ये जो किडनैपिंग थी ये आपसी सहमति से हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज राजसो के हिसाब से, तो संयोगिता को जब ये लेके आए तो उसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई। ठीक है, और इनफैक्ट जब ये बैटल ऑफ तराइन हुई तो जयचंद ने मदद भी नहीं की। अब घुरीज की क्या कहानी, अब हालांकि मैंने इस पर पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, आप देख सकते हैं।
देखिए इधर तो पृथ्वीराज चौहान पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में मोहम्मद घोरी का उदय हुआ। हमने मोहम्मद ऑफ गजनी की बात की थी, मोहम्मद ऑफ गजनी ने भारत को कई बार रेड किया, सोमनाथ टेम्पल को रूटा, लेकिन वो भारत पे रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने राजा सोहेलदेव की बात की थी कि मोहम्मद ऑफ गजनी के जाने के बाद 1130 के अराउंड, ठीक है, सॉरी 1030 के अराउंड दोबारा अटैक हुआ यहां पे, लेकिन राजा सोहेलदेव ने ऐसा मारा कि उसके बाद कोई भी मुस्लिम इन्वेडर आया ही नहीं अगले 150 सालों तक। अब इसके बाद मोहम्मद अफ घोरी ने कोशिश की यहां पे आने की, घोर रीजन से आया था, ठीक है, घोर रीजन से आया, 1175 में यहां पे इन्वेड किया, मुल्तान में इन्वेड किया। पहले तो कुछ एरिया इसने जीते, लेकिन इसको इनिशियल सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं मिली। 1178 में जब इसने लड़ाई की तब यह हारा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था यहां पे हराना, क्योंकि राजपूत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी कुछ पंजाब के एरिया और कुछ नॉर्थ वेस्ट के एरिया इसने जीत लिए थे। लेकिन अल्टीमेट जो लड़ाई हुई दोस्तों, ये 1191 और 1192 के बीच में हुई, ठीक है, ठीक है। 1191 में दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, तराइन जो कि आज आप करनाल के पास देखेंगे, ठीक है। तो तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये दो मेन बैटल का ही जिक्र किया है। ये बैटल तो ही होगी क्योंकि उसके बाद फिर जो मुस्लिम रूल शुरू हुआ वो यहीं से ही शुरू हुआ, इसने भारत के इतिहास को पूरा बदल के रख दिया। अब यहां पे मोहम्मद घोरी को कुछ ज्यादा पता नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान कितने ताकतवर है, उनकी कितनी सेना है, और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे मोहम्मद घोरी से, और इनकी जो सेना थी वो बहुत प्रोफेशनल थी। 11 साल में अगर कोई भी लड़का तख्त को संभाल रहा है तो 25 साल में वो कितना ज्यादा परिपक्व हो गया होगा। अगर वो उसने इतने एरियाज को जीत लिया है तो वो बहुत ज्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर हो गया होगा। यही पृथ्वीराज चौहान के साथ था, वो बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, तो उनको हराना नामुमकिन था। तो मोहम्मद अफ घोरी ने हराने की कोशिश की पहली बैटल में, वो अपनी पूरी सेना लेके आया, लेकिन यहां पे पृथ्वीराज चौहान ने उनको भगा भगा के मारा, सबको खत्म कर दिया, और हालत खराब हो गई यहां पे मोहम्मद अफ घोरी की, कहां जाए, भागे तो भागे कहां। मोहम्मद घोरी का ये रूल था कि सबसे पहले नॉर्थ इंडिया पे जाएंगे और फिर पूरे साउथ इंडिया पे रूल कर लेंगे, पूरा भारत हमारे कब्जे में आ जाएगा। मोहम्मद अफ घोरी इन्वेड नहीं करना चाहता था, रूल करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन डिसाइसिव बैटल थी, जो कि कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। गलती ये कि मोहम्मद अफ घोरी की सेना जब भागने लगी, रिट्रीट करने लगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको चेज नहीं किया, और ये बहुत बड़ी गलती थी। इतिहास ऐसी गलतियों को माफ नहीं करता। अब कहानी ये भी है कि मोहम्मद घोरी को पकड़ लिया गया और मोहम्मद घोरी ने फिर मौत की भीख मांगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। कुछ लोग बोलते कि मोहम्मद घोरी भाग खड़ा हुआ, लेकिन जो भी है, यहां पे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी को उसी वक्त मार देना चाहिए था, और अगर ऐसा करते तो हो सकता है अफगानिस्तान के घोर रीजन पे भी इनका कब्जा हो जाता, एक्सपैंड कर देते। लीडर को मार दिया ना, मेन लीडर को मार दिया तो खेल खत्म। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी नीति यह नहीं थी। अगर जो युद्ध बंदी होते थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, हम उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, हम उनको मारते नहीं थे, उनको भी इज्जत देते थे, ठीक है। तो जब मोहम्मद अफ घोरी वापस गया, तो मोहम्मद अफ घोरी, ये तो ईगो पे कुछ भी हर्ट करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, वही चीज हो गई। तो मोहम्मद अफ घोरी ने फिर लेटर भेजा पृथ्वीराज चौहान को, बोला कि संधि कर लेते हैं, और एक धमकी भरा खत भी भेजा। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि शायद ये पागल हो गया है, अभी मैंने इसको हराया है और ये बोल रहा है संधि करने को, और ऊपर से मुझको धमका रहा है। तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान ने सब कुछ मना कर दिया कि अब इस बार आएगा तो इसको तो पूरा इस निस्तना नाबूद कर देंगे, सब कुछ साफ कर देंगे। लेकिन मोहम्मद अफ घोरी इस समय थोड़ा सा चाणाक हो गया, उसको पता चल गया कि ये लोग लड़ते कैसे हैं। तो इस बार वो 1,60,000 की विशाल सेना लेके आया मोहम्मद अफ घोरी। 1 साल बाद ही हुआ ये, 1192 में फिर से तराइन में युद्ध हुआ, और बहुत बड़ी सेना लेके आया। और यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की भी सेना बहुत बड़ी। अपनी सेना को मोहम्मद घोरी ने 5 टुकड़ियों में डिवाइड किया, 4 टुकड़ियों की बैंड बजा दी पृथ्वी सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना ने, बहुत मारा है ना। लेकिन मोहम्मद अफ घोरी ने एक और प्लान बनाया था कि हम ऐसा दिखाएंगे पृथ्वीराज चौहान को और इनकी सेना को कि हम रिट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जब मोहम्मद अफ घोरी को लगा कि वो हारने लगा, तो मोहम्मद घोरी ने अपनी सेना को वापस बोला कि वापस आ जाओ, ठीक है। तो जब मोहम्मद अफ घोरी की सेना रिट्रीट करने लगी, तो राजपूतों की सेना इनके पीछे भागी, और एक कंटिंजेंट यहां पे छुपा के रखा था मोहम्मद अफ घोरी ने, और वो कंटिंजेंट ने पीछे से हमला कर दिया, और यहां पे पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इसमें एक ये भी कहानी है दोस्तों कि रात के वक्त
ये उस समय होता था कि सुबह से लेकर शाम तक युद्ध होगा, लेकिन मोहम्मद और गौरी ने सारे रूल्स तोड़े। उनको खाली जीत से मतलब था, जो युद्ध के नियम थे उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो मोहम्मद और गौरी की सेना ने रात को हमला कर दिया, और यहां पे जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की वो ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद और गौरी की चार टुकड़ियों को बुरी तरीके से उन्होंने शिकस्त देने की कोशिश की। लेकिन फिर वही है, जो आखिरी कंटिजेंट था मोहम्मद और गौरी का, उसने अटैक किया, और वहां से फिर पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना, अनफॉर्चुनेटली उनको हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने यहां पे बहुत सारे लोगों को मना लिया था, ठीक है, पूरी राजपूत कॉन्फेडरेसी बना ली थी, लेकिन इसमें जयचंद जो थे उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। अब 1192 में जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, खेल खत्म, भारत में मुस्लिम रूल शुरू हो गया। मोहम्मद घोरी का कोई बेटा तो था नहीं, वो तो अपने जितने भी उनके जो सोल्जर्स थे उनको अपना बेटा मानता था। स्लेव डायनेस्टी की फिर शुरुआत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, 1206 में फाइनली स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और अगले 500 सालों तक मुस्लिमों का राज रहा। अब उसके बाद इनकी मौत की बात करते हैं। दोस्तों अभी तक हमको नहीं पता पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई, अलग अलग थ्योरीज हैं। पृथ्वीराज रासो के हिसाब से यहां पे जब मोहम्मद गोरी जीता तो पृथ्वीराज चौहान की आंख पे हमला किया, तो जब आंख पे हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उनको देखना बंद हो गया। तो यहां पे चांद बरदाई ने मोहम्मद गोरी से बोला कि ऐसा है कि ये बहुत बढ़िया तीरंदाजी करते हैं, तो मोहम्मद गोरी देखना चाहते थे कि ऐसी तीरंदाजी करते हैं। तो मोहम्मद गोरी थोड़ा ऊंचाई पे बैठ गया, तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान ने जब तीर कमान उठाया तो यहां पे चांद बरदाई ने मोहम्मद गोरी कहां बैठा है ये बताने की कोशिश की पृथ्वीराज चौहान को, कविता के माध्यम से, ठीक है। और वहां पे जब पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया, बिंगो, बिल्कुल स्पॉट पे लगा, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी आत्महत्या कर ली। ये पृथ्वीराज रासो में है, ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा डाउट है। कुछ में बोला गया है कि इनको कैद कर लिया गया, कुछ में बोला गया कि ये बैटलफील्ड में मारे गए, लेकिन जब यहां पे गोपालनाथ शर्मा जब पूरा कंक्लूजन निकालते हैं तो ये निकल के आता है कि पृथ्वीराज चौहान को शायद, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को दोबारा राजा बना दिया हो, वैसाल बना दिया हो, कि हमारे साथ वैसाल स्टेट हो तुम, अब हमारे हम तुमको राजा बनाएंगे, तुम हमारे अंदर अंडर रूल करो। क्योंकि यहां पे दोस्तों जब बाद में कॉइंस मिले तो एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की भी छाप थी उसमें, ठीक है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। और उसके बाद उसके बेटे गोविंद राज को जब अजमेर की थ्रोन पे बैठाया तो इससे ये बात थोड़ी सी और पुख्ता हो जाती है, लेकिन वही चीजें डाउट है, हमको नहीं पता पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अभी तक कैसे हुई। थ्योरी है, हम अलग अलग थ्योरी इसमें बहुत सारी। तो ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।